हाय दोस्तों, जय जवान जय किसान चैनल में आप लोग को स्वागत है। सब लोग को नमस्ते। आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ काजू का पौधा, काजू का बीज से कैसे पौधा तैयार करेंगे वो चीज़ में जानकारी देने जा रहा हूँ आप लोग को। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने पहले से सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, बेलकन आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर खेती का जानकारी आप लोग के पास पहुँच सके। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग को आज दिखा रहा हूँ, आप लोग को ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये काजू का फल है, ये देख रहे हैं, ये अभी कच्चा है। ये चीज़ देख रहे हैं, ये कच्चा है, उसका फल भी कच्चा है और इससे थोड़ा ग्रोथ किया है। ये देखिए, ये हल्का कच्चा है, इसका फल थोड़ा पक गया है। इधर ही देख रहे हैं आप लोग, नज़ारा दिखा रहा हूँ, इसका फल थोड़ा कच्चा है। और एक चीज़ देखिए, ये भी कच्चा है, ये भी थोड़ा थोड़ा पकने जा रहा है, थोड़ा थोड़ा पकने जा रहा है। ये देखिए, ये भी पकने जा रहा है। आप लोग को ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो एकदम पक गया है देख रहे हैं, ये जो फल पक गया है एकदम, जो नीचे गिर जाएगा उसका जो ये बीज रहता है, ये बीज हम लोग को लेना है। बीज में तोड़ के उसको धूप में कम से कम 10-15 दिन सुखाने पड़ता है, सुखाने के बावजूद उसको पौधा के लिए तैयार करने पड़ता है। ये सब देख रहे हैं, ये काजू बादाम का फल है, ये इसका फल है, ये फल खिया जाता, मतलब खा जाता है, सब्जी भी बना जाता है और इसका बीज बेच दिया जाता है, क्योंकि बाहर चला जाता है, उसको तोड़ के फ्राई करके तोड़ के काजू निकलते हैं, इसी में से काजू निकलता है। आप लोग को दिखाता हूँ, एक काट के दिखाता हूँ काजू कैसा निकलता है। देखिए इसका फल कितना मस्त है, देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पक गया है एकदम। और देखिए, ये हल्का कच्चा है, देखिए। और एक चीज दिखा रहा हूँ, देखिए, अभी आप लोग को काजू काट के दिखा रहा हूँ कैसा काजू इसमें निकलता है। देखिए, अभी देखिए आप लोग को दिखा रहा हूँ काजू कैसा काट के, उसका बीज कैसा काट के काजू निकलते हैं। ये देखिए, अभी काटा जा रहा है, आप लोग को दिखा रहा हूँ। वीडियो एंड तक बने रहिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस बताते रहूँगा कैसा पौधा तैयार करेंगे। अभी आप लोग को ये चीज़ डाउट होता था, ये काजू का बीज है कि कौन सा बीज है, इसलिए मैं आपको काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, कैसे काटा जा रहा है, अभी देखिए, अभी देखिए आप लोग को निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये एकदम से सूख गया है। ये देखिए, अभी छिलका पीछे का है, ये अभी कच्चा काटा गया है, ये एकदम मस्त दिख रहा है। देखिए, ये देखिए, ये कच्चा काटा गया है, ये जो बीज तैयार हो गया है उसमें से निकाला जा रहा है, सूख गया है। चलिए दोस्तों, आगे का प्रोसेस आप लोग को बताता हूँ कैसा बीज से पौधा तैयार करेंगे। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये एकदम सूख गया है, आप लोग को दिखा रहा हूँ। जैसे ये कच्चा फल है, इसमें से बीज नहीं निकालेंगे, जो झाड़ से पक के गिर जाता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये पक के गिर गया है, ये देख रहे हैं पका हुआ फल आप लोग को दिख रहा है, इसका बीज तोड़ लेंगे, ये वाला बीज तोड़ लेंगे। तोड़ के उसको धूप में 10 से 12 दिन सुखा देंगे। सुखाने के बाद आप लोग को आगे का प्रोसेस दिखा रहा हूँ, सुखाने के बाद कैसा लगाएंगे, चलिए आप लोग को दिखाता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, ये 20 दिन का पौधा है, ये तैयार हो गया है, पन्नी में ऐसे लगा दिया था, तैयार हो गया है। देखिए, अभी थोड़ा ऊपर उठाया तो उसको मिट्टी भर दिया हम लोग, ये देख रहे हैं, ये 20 दिन का पौधा है और आप लोग का प्रोसेस बता रहा हूँ। और ये देखिए, ये झाड़ का नीचे गिर के इसका ग्रोथ आ गया था थोड़ा सा, ये देख रहे हैं, ये एकदम सूख गया है, इसका ग्रोथ आ गया था। देखिए, ये देख रहे हैं, ये और 5-6 दिन के बाद झाड़ तैयार हो जाता था। मैं उठा के लेके आया हूँ आप लोग को दिखाने के लिए, ये देख रहे हैं, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, काजू का बागान में ही है, आप लोग को दिखाता हूँ काजू का झाड़ कैसा होता है। अभी ये देखिए, ये 20 दिन का पौधा है। अभी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, आगे का प्रोसेस तो बताया था, ये जो सूखा बीज है, जो 10-20 दिन, समझो 12-15 दिन का जो सूखा के रखे हैं, उसका बीज क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप लोग को, ये चीज़ दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं, इसका ग्रोथ कहाँ से आया है, गौर से देखिए, ये गौर से देखिए, इसका ग्रोथ कहाँ से आया है, वही बाजू हमको दबा के लगाना पड़ेगा, ये बाजू से। अभी देखिए, ये लिया हूँ, ये देख रहे हैं,
इसको मैं पन्नी में मिट्टी ले लिया हूँ। आप लोग को मैं पन्नी में इधर अपर बना जाता है, मतलब पौधा तैयार किया जाता है, क्योंकि ये गांव का एरिया है। पन्नी में ही पौधा तैयार करके उसको 1 महीना के 2 महीना छोड़ देना पड़ता है, फिर उसको लेके खेती में लगा दिया जाता है। ये देख रहे हैं इसका ग्रोथ इधर से निकलेगा, ये देखिए ग्रोथ यहाँ से निकलेगा। गौर से देखिए दोस्तों, इसका ग्रोथ यहाँ से निकलेगा, गिर गया नीचे, ये देखिए। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, अभी गौर से देखिए दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा। ये मिट्टी में रख दिया हूँ, इसको कैसा दबाएंगे देखिए। इसको ऐसा रख के नीचे से कम ज़्यादा नहीं 1.5 इंच का अंदर मिट्टी का अंदर दबाएंगे, ऐसा 1.5 इंच दबा देंगे। 1.5 इंच हो, 1 इंच भी चलेगा, 1 इंच दबा के उसको मिट्टी ऊपर से ढक लेंगे। ढकने के बावजूद उसको क्या करेंगे, अभी तो मिट्टी गीला है, अभी 2-3 दिन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसको 5-6 दिन गैप्स दे देंगे, जैसे ये ऊपर का मिट्टी देखेंगे सूख गया होगा। फिर सूखने के बावजूद इसको क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर पानी डाल देंगे। उसके बाद जैसा देखेंगे मिट्टी सूखा रहता है तो हल्का हल्का पानी डालते रहेंगे, फिर अपने आप ऐसा पौधा तैयार हो जाएगा। 20 दिन में काजू का पौधा ऐसा तैयार हो जाएगा। आप लोग को वो चीज़ भी दिखाने जा रहा हूँ जो आज 1 साल का पौधा है, पहले का जो झाड़ तैयार है वो भी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आगे बने रहिए दोस्तों, जो फल देने लगा है काजू का, ये 20 दिन का पौधा है। अभी देखिए दोस्तों, ये समझो 1 साल का पौधा है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं 1 साल का पौधा है, ये कम से कम और फल देने के लिए और 1 साल जाएगा। ये देखिए, ये 1 साल का पौधा है, ये देखिए दोस्तों, ये 6 महीने का पौधा है। अभी देखिए दोस्तों, आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये कम से कम आज 4 साल का पौधा हो गया है, इतना झाड़ा है। देखिए ये देखिए, ये पूरा जो देख रहे हैं ये काजू का बागान है, आप लोग को घुमाता हूँ। ये देख रहे हैं पूरा, देखिए अंदर ऐसा दिख रहा है आप लोग को, ये देख रहे हैं पूरा चारों तरफ काजू का बागान है। ये देख रहे हैं चारों तरफ काजू का बागान है, आप लोग को दिखाता हूँ काजू भी कैसा पकड़ा है। ये देखिए, अभी तो ख़त्म होने को आया है काजू, आप लोग को दिखा लेता हूँ। ये देख रहे हैं, ये देखिए एक काजू पकड़ा है, इधर भी देख रहे हैं एक एक कच्चा है। प्लीज़ दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ दोस्तों।